और ये 10-11 साल से चला आ रहा है। मेरी बहन को दहेज के प्रचंड में उसको मारपीट करता था, दहेज मांगता था, जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया। ये 7 महीने से लगातार इसी बेड पे पड़ी है। तो हमारी गरीब स्थिति है, इसलिए हम दे नहीं पाए। परिवार को बार बार परेशान करता, हमारे पास में पैसे नहीं, हम गरीब स्थिति में। ए वही है समता जी जिनारो एक्सीडेंट आज दहेज प्रथा रे कारण वही गयो। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आप रजागे और इन वक्त मैं खड़ो हूँ बाना का बासरे माए और अटे एक मामलो एडो सामने आयो है कि जी को और बतायो जा रहे हो कि दहेज प्रथा रो पूरो मामलो है और आज दहेज प्रथा की वजह से एक माँ एक बेटी और एक पत्नी आज बिस्तर पकड़ लियो है। पूरो कई मामलो है मैं उन्हारे भाई सू जानूला, कई मामलो हो कई मामलो नहीं हो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा और उन परिवार कई गुहार है आप सू वह भी मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। हमारे साथ है समता जी रा भाई दिनेश जी, तो मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि कई मामलो हो और अबे कैडी हालत है और डॉक्टर्स वगैरह कई कहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ आप। जी सर, मेरी बहन की शादी जोधपुर सांगरिया फांटा हुई थी, करीब शादी होने 11 साल हो गया है। मेरी बहन को दहेज के प्रचंड में उसको मारपीट करता था, दहेज मांगता था। तो हमारी गरीब स्थिति है, इसलिए हम दे नहीं पाए। तो मेरी बहन के साथ मारपीट करता था, उसके लिए कई बार में हम लोग गांव के लोगों ने समझाइश की, लेकिन वो समझ में नहीं आया। हमने सोचा धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। बाद में क्या, उसने 3 अप्रैल 2023 को उसने एक जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद में हमको कॉल किया कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। बाद में एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में हमने 2 महीने इलाज करवाया। बाद में MDM हॉस्पिटल जोधपुर में भी 19 दिन इलाज करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, डॉक्टर बोले अहमदाबाद लेके जाओ। इसलिए हमारे परिवार, हमारे पास में पैसे नहीं, हम गरीब स्थिति में। अच्छा, जब आप एम्स ले गया या जब आप MDM भी ले गया तो डॉक्टर्स को कई कहना हो कि कैडी हालत है, कितना महीना पर सुधार हो जावेला या और कई कहे डॉक्टर्स आपने? डॉक्टर तो बोल दिया कोई पता नहीं है और उसका कोई पता नहीं, इलाज जारी है। तुम और कितो खर्चो वही गयो अबार तक आपरे इन 7-8 महीना रे माए? 10-12 लाख रुपए अभी डॉक्टर बोल रहे अहमदाबाद लेके जाओ। इन राजस्थान रे माए या देश हर कोने रे माए ओ दहेज प्रथा रो मामलो कद खत्म होवेला, क्योंकि ओ बहुत गंभीर मामलो है। इनरी वजह से एक बहन ने एक बेटी ने एक माँ ने आपरी जान तक गंवानी पड़ जावे, लेकिन मारो ही मानना है कि मामलो ख़त्म होना चाहिए और आखिर में मारी और पूरे परिवार री आई गुहार है कि जितो पयो लागे अगर आप इन फैमिली तक पहुंचा सको तो बहुत ज़्यादा बड़ी मदद हो जावेला, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर आपकी बेटी रो या एक लड़को और एक लड़की है वो उन्हारी मारो भी इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जलको जोधपुर आपसु वही अनुरोध करे कि इनारी फैमिली तक आप अगर जितनी हो सके राशि अगर भेज सको, जितनी हो सके उतनी मदद कर सको तो अब बहुत बड़ी मेहरबानी होवेला। अटर जी का गांव वाला है वाणो कई कहने में वाणा से भी बात करूं वह कई आप तक पहुंचानी चाहे वाणो कई कहना है कि अगर जो मामलो गांव तक भी आयो गांव वाला कई समझाइश करी गांव वाला की करवाने समझाया मैं वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा आप तो इन गांव रही हो अटेरा पड़ोसी भी हो तो आप कई कहने चाहोला इन बात माते आप जब वो मामलो गांव में आयो लड़ाई वगैरह हो रही है पति पत्नी में समझाइश करण खातिर आप रुके कहना है? सर ये 10-11 साल से चला आ रहा है, तो हमने भी 2-4 बार यहाँ पंच पंचायती गांव के स्थानीय लोगों से की तो वो आया बोला उनके ससुर आई सब मिलकर बोला कि इनका हम सुधार कर लेंगे, लेकिन हमने क्या सोचा कि भाई ससुराल जा रही है एक बच्चा और बच्ची है तो इनको भी देखभाल करेगा और अभी मामला बैठ जाएगा, लेकिन इन्हें एक ही रट लगी देश पड़ताल। तो इनको परिवार को बार बार परेशान करता, कई बार ही समझाइश आती बच्ची यहाँ तो फिर वो ससुराल आते कि हमारे भेज दो हम इस बिठा देंगे और सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन ये सही नहीं हो पाया। तो हमें ये अप्रैल में ये घटना हुई, अप्रैल से ये 7 महीने से लगातार इसी बेड पे पड़ी है। तो एम्स में भी MDM में सब एडमिट कराया, हमने भी चंदा जैसा है वैसा करके दिया, तो गरीब परिवार है ये आगे का इलाज कर नहीं पाया। तो अभी इस बच्ची की इलाज के लिए आगे ये समर्थ नहीं है परिवार। तो अब सोशल मीडिया से ये भी अनुरोध है कि इनको थोड़ा थोड़ा भी देना, एक एक रुपया से भी ज़्यादा होता है तो जन सहयोग करें और एक एक रुपया दें और इन बच्ची के इलाज के लिए आगे का सहयोग करें तो हम भी करेंगे और सभी देखने वाले सोशल मीडिया के मार्फत थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करें और उस बच्ची का इलाज हो तो आपका भी भला और हमका भी भला। और इन बच्चों की पढ़ाई और बच्चे बच्ची दो है ये भी 5वीं 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे, इनके आगे शिक्षा भी जारी रखें, ऐसा मामला
आपके सामने और ये देश प्रथा बंद होनी जरूरी है। इनके लिए बच्ची आज ये बहुत परेशान है, हम भी दुखी है, ये ब्राह्मण परिवार से है लेकिन हम विष्णु जाति से है, तो हमने जैसा वैसा चंदा हमने इकट्ठा कर दिया इस परिवार को, लेकिन ये आगे का इलाज अभी अहमदाबाद के लिए की है, हम असमर्थ है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको थोड़ा थोड़ा चंदा दे और आप सभी हाथ जोड़कर विनती है। तो मैं जिनारी बात करता हूँ, वही है समता जी, जिनारो एक्सीडेंट आज दहेज प्रथा रे कारण वही गयो, दहेज प्रथा रो पूरो ओ मामलो है। आज अप्रैल सुलेन आज 7-8 महीना वही गया है, एक माँ एक बेटी और एक बहन आपसु मदद मांग रही है, तो मैं वापस आपसु वही मदद री गुहार करूँ कि जितनी हो सके आप मदद जरूर कर जो, और कैप्शन रे माए आपने बैंक डिटेल्स दियोड़ी है, आप मदद जरूर कर सको ताकि एक बहन एक बेटी एक माँ रो इलाज हो सके। और मासू और मारी तरफ सूँ और पूरे जल को जोधपुर तरफ सूँ आई गुहार है कि आ दहेज प्रथा जड़ सूँ खत्म होनी बहुत ज़रूरी है।